ऑलराइट, तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, थैंक यू एंड रोली, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. एंड आपके लिए डबल कांग्रेचुलेशन, आप डायरेक्टर भी बन चुके हैं इस फिल्म के साथ साथ. आई नो आपने पहले असिस्ट भी किया है, लेकिन प्रॉपर तरीके से ट्रिपल कांग्रेचुलेशन दे दिया ना, गाना भी गाए. ट्रिपल वो वही मेरा ट्रिपल कांग्रेचुलेशन आपने इसमें गाया जी. मैडम आपके लिए भी कांग्रेचुलेशन कि आप सर के साथ में जो है डेब्यू कर रही हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सर जल्दी मिलते नहीं हैं. आप बहुत लकी हैं, आई डोंट नो क्या हुआ, कैसे मिले, वो सारी चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा. क्योंकि दुनिया में जितनी भी लड़कियां एक्टर बनना चाहती हैं, सब हर कोई चाहते हैं कि वो एक बार फैजल जी के साथ में काम करे. अच्छा, आपको नहीं पता सर? नहीं, मुझे नहीं पता ये बात. तो ढेरों सारी बातें करेंगे. और सर, और एक जो चीज मैंने नोटिस की कि आप बहुत ही रोमांटिक बन गए हैं, जिस तरह से आपने प्रपोज किया आई लव यू नताशा. हाँ, फिल्म में की जो बातें करेंगे फिल्म की, चाहूंगा कि आप एक बार वहीं से स्टार्ट करें, देन इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं. I love you, Natasha. सर मैं एक रेड रोज ढूंढ रहा था, तब सर मैंने बोला रेड रोज. एक बार सर अगेन एक वो फील के साथ. Natasha, I love you. क्या बात, हाँ कुछ कहना चाहेंगे? इस टाइम पे मैंने कहा नहीं था. लेकिन ट्रेलर के लास्ट में मैंने देखा, एंड में था पॉइंट पे, मतलब इतना जूम क्यों. अब तो वो तो थर्ड को ही मालूम पड़ेगा. थर्ड को मालूम पड़ेगा. हाँ, जो जुल्म है और जो टेंशन है और जो थ्रिल्स है, क्योंकि एक रोमांटिक थ्रिलर है फिल्म फैक्ट्री हमारी, 3 तारीख को लग रही है. उसमें सब जो भी टेंशन हैं, रोमांस है, प्रपोजिंग है, हार्ट ब्रेक्स है, इमोशंस है, गाने हैं, कॉमेडी है, एक्शन है, सब आप थर्ड को ही देखिए इंशाल्लाह. के ऑडियंस को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आइए और देखिए और इन्जॉय करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग ऑडियंस इन्जॉय करेगी, इसलिए फिल्म बनाएगी. ये इंटेंशन के साथ बनाई गई है, तो हमारा ये जो इंटेंशन है, ये सपना, ये स्वीकार हो, वो हमको थर्ड के बाद ही मालूम पड़ेगा इंशाल्लाह. रोनी जी आप बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस विद मल्टी टैलेंटेड एक्टर फैजल जी के साथ. पहले तो ये बताइए कि मिले कहां से ये आपको, मतलब कांटेक्ट किया आपने, ऑडिशन किया नहीं सर के साथ? हाँ, मेरे जो मैनेजर हैं डीके श्रॉफ, तो उन्होंने मुझे फोन किया और बोला कि एक ऑडिशन हो रहा है, आप जाइए जरूर. और जैसे आज रात को फ़ोन था और मैं कल ही पहुंच गई. दिस इज़ टू गुड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू मिस, यू नो, बिकॉज ही ऑलरेडी टोल्ड मी. तो पूरा लाइन सीख साख के मैं पहुंच गई, एंड देन आई गेव दी ऑडिशन. और फिर उसके बाद बोला बस, यू नो, वी आर गोना स्टार्ट शूटिंग, बहुत जल्दी हम सब करेंगे. और 15 दिन तक बिल्कुल साइलेंस, नथिंग. सो आई थॉट चलो किसी और को मिल गया होगा, बिकॉज मूवी दे वॉन्टेड टू कास्ट वेरी फास्ट. पर फिर 15 दिन के बाद दिस हैपेंड कि एक छोटी सी स्टोरी है. सो हमारी जो प्रोड्यूसर हैं एंड क्रिएटिव हेड है मरियम, उन्होंने वो शी सारे फाइंडिंग में, और मेरा जो घर है वो नहीं. ऐसा हुआ कि हम लोग जब ऑडिशन दे रहे थे तो हम लोग की बातें भी शुरू हो गई. मरियम हमारी जो क्रिएटिव हेड है और प्रोड्यूसर हैं, उनसे भी कुछ बातें हुई रोली की, और ऐसा उनको पता चल गया कि हाँ ये उनके एरिया में, जहाँ इनका पहले का फ्लैट था वो एरिया में, ये बाजू में रहती थी नेक्स्ट बिल्डिंग में, सब बातें हो गई. फिर हम लोग ने सोचने लग गए, जब ऑडिशन होके ख़त्म हो गया तो हम लोग सोचने लग गए कि अब ये हमको पसंद तो आ गई रोली का, ऑडिशन बहुत पसंद आया, लेकिन फिर भी हम लोग सोच रहे थे क्या करें, ये करें. काफ़ी टाइम में 15 दिन निकल गए. हाँ, उसके बाद तो 15 दिन निकल गए एंड कुछ पता नहीं चला. तो अब मुझे बहुत बुरा लगा, यू नो, जैसे आप देते हो ऑडिशन एंड यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग एंड बिल्डिंग ऑल दीज होप्स. पर फिर मेरे घर का बेल रिंग हुआ और उन्होंने बोला कि मरियम मैडम को आपसे बात करना है. और ऑनेस्टली मैं थोड़ा बहुत भूल गई थी इन 15 डेज, बिकॉज मैं एक ही बार मिली थी और हमने बातें करी थी. पर फिर भी तो मैंने जब फ़ोन किया बोला, रोली वेयर आर यू. क्या हुआ कि 15 दिन गुजर गए, अब हम लोग को लगा है हमको स्टार्ट भी करना है पिक्चर और वक्त भी अब जल्दी स्टार्ट करना है, हम लोग नहीं रोली को ही लेना है. तो अब जो डीके श्रॉफ जो इनके मैनेजर थे जिनके थ्रू ये आई थी, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे. अच्छा. तो हम मरियम भी थोड़ा खफा हो गई, हम मैं भी चढ़ गया कि ये क्या है, हम इतना कर रहे हैं और वो कुछ बोल रहे हैं और फ़ोन बंद कर रहे हैं. मौनव्रत. तो मतलब ये क्या हो रहा है. तो वो बाद में मालूम पड़ा कि वो मौनव्रत में थे. अच्छा. तो हमको लगा ये क्या ये थैंक गॉड मैंने बातें कर ली थी, बता दिया था मैं कौन सी बिल्डिंग में रहती हूँ. तो क्या हुआ, नहीं तो क्या हुआ कि वो हूँ करके बंद कर रहे हैं. तो चिड़िया में भी मेरा क्या है, कैसा है सेक्रेटरी, ये क्या कर रहा है यार. तो क्योंकि मरियम और रोली की बातचीत हो चुकी थी और ये तो पता चल गया था कि ये बाजू के ही बिल्डिंग में रहती हैं. अच्छा.
जहाँ वो पहले रहती थी मरियम, तो हम लोग ने किसी तरीके से इनको बोला कि इनको ट्रैक डाउन, मुझे लगा कि ये पॉलिटिक्स तो नहीं हो रही है कुछ। हाँ, आजकल ये भी होता है क्योंकि कुछ वो कुछ बोल रहा है। अच्छा, वो जो उस टाइम डायरेक्टर भी शारिक भाई थे, तो शारिक भाई चाहते थे कि कोई और लड़की आए, तो मेरा दिमाग ये भी जा रहा था कि शारिक भाई तो कुछ गेम नहीं खेल रहे हैं कुछ, बहुत पॉलिटिक्स चलती है लाइन में, तो सबको जानते हैं, तो कोई किसका क्या पत्ता काट रहा है। तो मरियम भी गुस्सा हो गई, मैं भी गुस्सा हो रहा हूँ, तो हम लोग चलो भेजो किसी को उनके घर पर। तो इसलिए घंटी बजी और रोली के पास कोई आया, बोला मरियम मैडम आपसे बात करना चाहती हैं। तो ये तो भूल भी गई कौन मरियम, बोले फिर भी आप फ़ोन कर लीजिए। तो अच्छा दूसरी एक और एपिसोड ये है, नहीं एक और एपिसोड ये भी है कि हम लोग को तो पता था कि ये बिल्डिंग में रहती हैं, लेकिन कौन से माले पर रहती हैं वो नहीं पता। तो मरियम ने जिनके यहाँ काम करती थी एक जो लेडी मेड, वो भेजी इनके वॉचमैन के पास, वॉचमैन के पास क्योंकि वो जो मेड थी उसके पास वो पुराना फ़ोन था, तो उसके पास फ़ोटो वोटो, तो फ़ोटो भी भेजे तो कौन ऑडिशन भेज देते ये फ़ोटो ये लड़की है, लेकिन उसका फ़ोन पुराना था तो फ़ोटो कहाँ भेजें। तो वो उनके वॉचमैन को मिली जाके, उसके पास एक फ़ोन था जिसमें आप फ़ोटो भेज सकते थे। तो हम लोग ने बोला वो रोली रायन वो हीरोइन रहती है यहाँ, तो बोले कौन रोली रायन, वो वॉचमैन नहीं जानता होगा, बड़ी बिल्डिंग है इनकी, ये भी नई आई है इस इंडस्ट्री में, अभी हीरोइन बनी नहीं है। तो फिर उसको फ़ोटो भेजा गया उनके उसका नंबर पे, तो फिर उसने दिया हाँ ये तो फलाने माले पे रहती हैं, कौन से माले पे, चार माले, हाँ फोर्थ फ्लोर। तो फिर वो मेड गई ऊपर, फिर वो उसने घंटी बजाई और फिर ये आई और उन्होंने बोला मरियम से बात करो। अब ये बोलती है कौन मरियम, बड़ी शिद्दत से जोड़ा है सर ने आपको, पार्टी देनी पड़ेगी सक्सेस में। अब ये आई कि अब ये आप बोलो कि मरियम कौन मरियम, ऑनेस्टली मोर देन कौन मरियम आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट ना कि ऐसे ऐसे हो जाएगा। I had forgotten was a different thing, but you don't expect ki the producer Mariam and Faisal will be finding you. मुझे लगा DK तो है ही, तो वो उनसे बात कर लेंगे, तो मेरे को ये expect नहीं था, so I was caught off guard. और फिर जब ये हुआ बातें हुई तो instantly Mariam was like, Roli, where are you? Where are you? We are trying to search you. Where are you? We come here, we want to sign you. And I was like, who came for audition? I was like, oh my god, okay. Then I was like, this is definitely happening, क्योंकि कोई इतना नहीं करेगा। और फिर then very next day, इनको बुलाया गया, पहुंच गई वहाँ पे। इनको बुलाया गया, इनको full narration दिया गया कहानी का, और फिर इन्होंने साइन किया, और फिर उसके सब चेक ये हाथ से दिया और ये हाथ से स्क्रिप्ट दिया। तो ये चेक लिया उन्होंने, मैंने सट करके स्क्रिप्ट भी रखा सामने, ये लो तो ये क्या है ये स्क्रिप्ट है, ये आपको पूरी तैयार करके चार दिन में आना है। अरे, ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है, एग्जैक्टली। ये आप उनको जब फोन करेंगे तो उनका मौन व्रत के टाइम पे फोन मत करिएगा, वरना बात नहीं होगी। तो जी इस तरीके से रोली साइन हुई। आप अभी अभी पूछिए आप। बहुत ही अच्छा इंसिडेंट आप लोगों ने शेयर किया, वो आई थिंक कभी नहीं भूलेगा, फर्स्ट मूवी में ऐसा हुआ। तो चलिए मैं फैक्ट्री पे आता हूँ, क्योंकि ढेरों सारे किरदार हैं आपके, ढेरों सारे आप कुछ कर रहे हैं, तो पहले तो जानना चाहेंगे कि कितने अंदाज हमें देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि पहला जो देखने को मिला फ्राइडे हो या ड्राइडे दारू पीना है, वो मुझे आपका एक अंदाज देखने को मिला। दूसरा अंदाज काफी थ्रिलर वाला देखने को मिला, तीसरा अंदाज वो रोमांटिक का मिला, और कौन कौन से अंदाज होंगे अगर आप बता सकें, उसके बाद फिर मैं कैरेक्टर बनाता हूँ। अंदाज तो काफ़ी हैं, शेड्स बहुत हैं इस कैरेक्टर के, अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टर है। तो जब आप पिक्चर देखेंगे आपको अलग अलग शेड्स मिलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग शेड्स हैं। सडनली गाना भी गाने लग जाता है, सडनली सीरियस भी हो जाता है, सडनली इमोशनल भी हो जाता है बहुत, और एक हड़बड़ाया हुआ आशिक है, तड़पता हुआ आशिक, तड़पता हुआ आशिक, तड़प दिखाई देगी आपको इसकी, कि प्यार में पागल है। तो ये सब शेड्स हैं अलग अलग, इनके कैरेक्टर में भी अलग अलग शेड्स हैं, बहुत अच्छे शेड्स हैं। तो आप थोड़ा बताइए कि आपके किरदार के बारे में एंड क्यों इतना तड़पता हुआ आशिक बनाती हैं आप किसी को, वो तो ऑब्वियसली थर्ड को ही मालूम पड़ेगा। पर Which girl doesn't like to be romanced? My question. तो बस यही था, बस तो मुझे बहुत ही मुझे जो भी चाहिए था वो सब उस फिल्म से मिला है, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। नहीं, शेड्स इनमें भी बहुत है, गुस्सा का है और हैप्पीनेस है और
एक्साइटमेंट का है, जब कोई उनको प्रपोज कर रहा है, शेड्स बहुत है, कभी गुस्से का है, कभी सैडनेस है, एंड प्लस आई वाज फाइटिंग, कभी हां कभी एक्शन, मैंने पहली बार एक्शन भी किया है फिल्म, पहली बार मैं एक्शन भी कर रही थी, और बहुत ही, तो वही मैं सारे शेड्स, एक्शन, रोमांस, ड्रामा, सैडनेस, मतलब सारे इमोशंस हैं इस फिल्म में. रोमांटिक गाने, रोमांटिक गाना, which is my favorite, Faisal has sung. इश्क तेरा पल रहा मेरे दिलों जान में, चेहरा तेरा रूबरू हर ख्वाब हर बात में. और बहुत ही लोकेशन भी इतनी अच्छी थी इस गाने की, तो इट यूज टू उभर के और आता था. So definitely, it was amazing. आप लोकेशन से याद आया? मैंने सुना कि मुंबई यानी गुजरात में जी शूटिंग की गई, क्योंकि फैक्ट्री मेन लोकेशन है. अच्छा, इसके ऊपर भी एक जो फैक्ट्री टाइटल कैसे मिला? वो वही, पहले तो ये लोकेशन, फिर उसके बाद फैक्ट्री का टाइटल. लोकेशन हमारी वापी में थी, दमन में थी, सापुतारा में थी, और दादरा और अचाप भी वहाँ से. हाँ, और दादरा और नगर हवेली में भी वही बेल्ट में शूट हुई है पूरी पिक्चर. नहीं, तब कोविड था नहीं. हम लोग ने जब हमारी शूटिंग ख़त्म हो गई, हमारी एडिट ख़त्म हो गई, हमारी फिल्म का फर्स्ट कॉपी आ गया, और ठक करके कोविड आ गया. अच्छा, उसके साथ में कोविड भी आ गया, तो हमारी पिक्चर रेडी थी और लॉकडाउन हो गया. 2019 में आया ना? हाँ, 2019 में हमारी पिक्चर रेडी थी, मार्च में. हम लोग ने 6-7 ट्रायल भी किए, कुछ खास लोगों को बुलाया, और लॉकडाउन हो गया. इंतजार में जो मजा है वो अलग ही मजा होता है, सबर का फल मीठा होता है. एग्जैक्टली. अभी अब यहाँ इंतजार तो था, बट आई फील टाइमिंग भी, हमारा जो फिल्म जो रिलीज हो रही है, इट्स वेरी गुड टाइमिंग. सो इंतजार किया और टाइमिंग भी इतनी अच्छी है कि आई फील इट्स गोना बी अमेजिंग. टाइटल मिल ही नहीं रहा था. अब हम लोग सोच रहे हैं यार क्या है, और क्योंकि जो सब्जेक्ट है उसमें रोमांस भी है, उसमें एक्शन भी है, थ्रिल भी है, तो अगर सिर्फ एक्शन और थ्रिल टाइटल रखते हैं तो रोमांस मारा जाता है. अब सिर्फ रोमांस टाइटल रखते हैं तो उसका थ्रिलिंग मोमेंट्स और सब बैलेंस है उसमें, अब क्या किया जाए. तो फिर मरियम हमारी बहुत सोच रहे थे हम लोग, अलग अलग ये टाइटल वो टाइटल, 2-3 रजिस्टर भी करा लिया अलग अलग टाइटल्स. फिर मरियम जा रही थी गाड़ी में और मैं भी जा रहा था, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सडनली उन्होंने बोला फैक्ट्री. तो फैक्ट्री जब मैंने सुना तो मैंने पूछा क्यों फैक्ट्री, तो उन्होंने बोला क्योंकि हमारा फैक्ट्री में, हमारा 75% स्क्रिप्ट फैक्ट्री में शूट की गई है, और फैक्ट्री में ही बहुत उतार चढ़ाव है इमोशंस के, मतलब गाना भी है, एक्शन भी है, रोमांस भी है, तड़प भी है, तो वो सब कॉमेडी भी है थोड़ी जितनी चाहिए, तो वो सब जो इतने इमोशंस ज़्यादातर फैक्ट्री में होते हैं, और फैक्ट्री इसलिए फैक्ट्री टाइटल मैंने बोला बैठ जाएगा, ये सूट हो जाएगा. नॉन कमिटल टाइटल, ना रोमांस ना थ्रिल, द सब्जेक्ट द लोकेशन इज बिकम द टाइटल. जैसे तीसरी मंजिल मेरी एक अंकल की पिक्चर आई थी, उसमें भी गाने बहुत अच्छे थे, रोमांस अच्छा था, थ्रिल, तीसरी मंजिल वॉज थ्रिलर फिल्म, तो तीसरी मंजिल वॉज जहाँ से वो बॉडी गिरती थी, लोकेशन टाइटल बन गई. तो उस तरीके से फैक्ट्री भी लोकेशन टाइटल बन गया. सर, जितना मेरा नॉलेज है कि आपकी जो लास्ट फिल्म थी चिनार, जी जी, अब तो उसमें भी तकरीबन 4-5 साल का, हाँ, तो बड़े ही मतलब टाइम लेते हैं आप, तो ऐसा माने कि चूजी हैं आप या जो आपको पसंद आता? नहीं, चूजी तो मैं हूँ, लेकिन चिनार की, देखिए चिनार सही तरीके से रिलीज ही नहीं हो पाई, तो उसकी वजह से लोगों को तक पहुँचाएंगी, इंडस्ट्री तक नहीं पहुँचाएंगी, फिल्म लगी हुई है कहीं, तो इसलिए ये फिल्म मैं अपनी तरीके से बनाना चाहता था और अपनी तरीके से रिलीज़ भी करना चाहता था. इसको बेस्ट प्लेटफॉर्म मैं दे सकता था, क्योंकि नए प्रोड्यूसर आते हैं उनको रिलीज़ करना नहीं आता, तो फिर वो पिक्चर बिगड़ जाती है, और जो अंजाम होता है वो मतलब बेकार, ख़राब अंजाम हो जाता है उसका. तो इसलिए मैंने सोचा कि ये पिक्चर का पूरा जो भागदौड़ है, पूरा कमान मैं अपने हाथ में रखूँ, और इसको एटलीस्ट ये एक प्रोजेक्ट मैं अपनी तरह से बनाऊँ, अपनी तरह से रिलीज़ कर पाऊँ, वो मैं कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट के साथ, फैक्ट्री के साथ. आप कुछ कहना चाहेंगे? फिर अंजाम जो भी हो ऊपर वाले क्या. आप कुछ कहना चाहेंगे फैक्ट्री को लेकर, टाइटल को लेकर, एंड आपको कितना पसंद आ रहा है, एंड क्योंकि आपका डेब्यू है तो
सी आई फील कि मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे इतनी बड़ी फिल्म मिली है, इतनी लकी हूँ, करेक्ट? हाँ, एग्जैक्टली. तो आई एम सो लकी दैट आई कि मुझे फिल्म मिली. प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट दिस इज़ रिलीजिंग एंड ये फैजल और मरियम रिलीज़ कर रहे हैं, तो मुझे ये भी पता है कि इतने बड़े मकाम में रिलीज़ होने वाली है. सो दैट्स इट. आई थिंक और मेरे सब एक्टर्स मुझे बहुत अच्छे मिले. रिबू मेरा, शरद सिंह, राजकुमार रुंजिया, सब रोली, सब ने बहुत मिल के मेहनत की, सब टेक्नीशियन ने मेहनत की, तब हमारी ये तपस्या रंग लाई है, एक तरीके से मुकम्मल हो पाई है. और अब इसको हम पेश कर रहे हैं 3 सितंबर को. ये लीजिए, पेश कर रहे हैं. सर, जितना अभी का जो हालत चल रही है, मुझे एक चीज जितना लगता है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आप लोग को आने वाले थर्ड क्यों क्यों क्योंकि अभी तक पूरी तरह से थिएटर खुले नहीं है बॉम्बे में, मुंबई में, लेकिन इंडिया भी तो है ना. इंडिया बड़ा देश है. बिल्कुल. तो अगर बॉम्बे में देखिए नसीब होगा तो बॉम्बे में भी शायद खुल जाए, वो हमारे नसीब पर है. और अगर बॉम्बे में नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, पूरी इंडिया बाकी की पड़ी है, वहाँ तो रिलीज करेंगे. मुंबई एक बहुत बड़ा मार्केट है. नहीं, मुंबई बड़ा मार्केट है, लेकिन इट्स नॉट द ओनली मार्केट. तो मायूस होने की बात. और पिक्चर जहाँ चलना होती है ना, चाहे वो एक थिएटर में पहले चलती थी पिक्चर, तो 100 वीक्स करती थी, 50 वीक करती थी, तो एक ही पुराने जमाने में एक ही थिएटर में लगती थी और चलती थी. तो अगर चलना है तो यहाँ भी चल जाएगी. तो आप मानते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब चैलेंज आने वाले हैं, जैसे कि सारी चीज़ें आपने अपने हाथों में लेके रखी, जी चैलेंज बहुत फेस करने वाले हैं आप जी. कोविड भी है, जी चैलेंजेस फेस करते हैं. पहले जैसा माहौल नहीं कि चलो फिल्में जा जाना नहीं, लेकिन अच्छी बात यह है कि चैलेंज है. लेकिन देखिए, हर चीज़ की, हर सिचुएशन की पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है. अगर ये समझ लीजिए कि कोविड ना होता और सब थिएटर खुले होते हैं, तो पॉलिटिक्स इतनी होती है लाइन में कि हमको थिएटर ही नहीं मिलते. ये पॉलिटिक्स आजकल सब बड़े हीरों का टाइम ख़त्म हो गया है, सबकी मोनोपोली टूट गई है, तो उसकी वजह से हमको थिएटर मिल पाएंगे, सही रिलीज मिल पाएगी. ये भी तो पॉजिटिव साइड है देखने की, वरना वो सब जो बड़े बड़े हीरो हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, सब कब्जा करके बैठे हैं, तो वो वहाँ से नहीं मारे जाएंगे, तो यहाँ से मारे जाएंगे. तो एटलीस्ट वी हैव अ बेटर चांस आई फील नाउ. At least we release it the way we want. We are going to get the right theaters that we want. तो वो भी एक पॉजिटिव साइड है देखने की. चलिए मैं बात करूँगा आमिर खान जी की. जी जी. ट्रेलर आ चुका है. जी. 2.1 अभी जस्ट मैं जो देख रहा था 2.1 क्रॉस कर रहा है मिलियन. आपने उन्हें दिखाया या आपने उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की कि ये मेरा भी ट्रेलर आया है? नहीं, मैंने नहीं की. मैंने नहीं की कॉन्टैक्ट. वो मुझे कांटेक्ट करें ना देख के, अगर उन्होंने देखा है तो वो खुद फ़ोन उठा के कर सकते हैं कि अरे भाई आपका ट्रेलर है, अच्छा है, बुरा है, ये मैं क्यों कांटेक्ट करूं? वो मुझे कांटेक्ट करें. आई एम द डायरेक्टर एंड एक्टर. नहीं, वो खुद मैं नहीं दिखाऊंगा. अच्छा, वो खुद ही बोले. उसमें मज़ा है ना, दुनिया बोले. अभी मैं बोल लूँ कि यार सबको, आपको दुनिया को फ़ोन करके बोलूँ यार पिक्चर लगी है, तो मज़ा कहाँ है? सामने से आना चाहिए कि अरे देखा, अच्छा था या बुरा था या जो भी. अभी तक उनका कॉल नहीं आया? नहीं, अभी तक नहीं है. बिल्कुल. सो आप बताइए फैमिली मेंबर्स का क्या रिएक्शन आ रहा है? आपकी तो डेब्यू है, मॉम डैड एंड जिस तरह से आपका ट्रेलर भी आ गया है, क्या कुछ रिएक्शन आ रहा है लोगों का? एक्चुअली सो मैंने एक्टिंग इसलिए करी क्योंकि मैं माय मदर रियली वांटेड कि मैं एक्टिंग में जाऊं. तो आप तो समझ ही सकते, वो तो अभी बिल्कुल ही शी इज गॉन अ लिटिल हैप्पीनेस में वेरी क्रेजी. तो उनको तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. फिर सबको मैं भेज रही हूँ. मेरी मौसी का इनफैक्ट फ़ोन आया कि दिल्ली में एफएम पे सुना कि मूवी रिलीज हो रही है. मूवी रिलीज हो रही है एफएम पे. वो जा रही थी कल रक्षाबंधन के टाइम पे, तो मैंने एकदम फ़ोन करके बोला. तो मॉम तो बहुत ही खुश है, सबको दे रही हैं मैसेजेस और फॉरवर्ड्स की ये है. एंड एवरीवन इज रियली लाइकिंग इट. और मेरे दोस्तों को भी बहुत पसंद आ रही है. एंड दे आर लविंग द एंड, यू नो, जैसे वो जब बोलती है आई रियली लव यू यश, पीपल आर लविंग दैट, दे आर लविंग इट. सो बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है एंड एवरीवन इज वेरी हैप्पी. ट्रेलर भी पसंद किया जा रहा है? बहुत बहुत पसंद आया. आपको भी पसंद आया? 2 मिलियन व्यूज. 2.1
एक्टिंग के अलावा इन फ्यूचर में हम आपको और क्या-क्या देखेंगे, लाइक सीन्स देखेंगे और डायरेक्शन में देखेंगे, किन-किन चीजों में इंटरेस्टेड हैं आप? जी एक्चुअली आई थिंक नाउ द रीजन में आप देखोगे कि आई बी सो आई एम एक्चुअली पब्लिशिंग अ बुक. ओके, ओह दैट्स गुड. सो आई लव राइटिंग. या आई लव राइटिंग. सो 80% वो कंप्लीट है मेरी. पूरी लॉकडाउन में मैंने वो बुक लिखी. सो आई थिंक इफ नॉट एक्टिंग या एक्टिंग के और इट विल बी डेफिनेटली राइटिंग. किस चीज पर आपने वो लिखा है? इट्स अ रोमांस, मोर ऑफ रोमांस, वेरी लिटिल थ्रिलर. इट्स कॉल्ड अ हॉट मेस. Hot mess. नहीं, totally. नहीं, नहीं, पूरी different है. This is more related to like 50 Shades of Grey or something. 50 Shades of Grey. That is a book now also. Yeah, that is a book. ये novel है, then उसके पर film बनी. So inspired probably for romance and mystery, but बहुत ही different है. तो it'll be for writing. That's on my only interest. मेरे साथ जो भी काम करेगा आगे भी इंशाल्लाह, उनको ये बता दूँ कि मैं खाना भी बहुत अच्छा खिलाता हूँ, रोली को पूछो. yes. और काम भी बहुत जोर का कराता हूँ, जम के. काम तो पहले खाना खिलाओ अच्छा, और फिर काम भी उसके डबल करो. तो क्या क्या खिलाया सर आपने? सब खिलाया खाना, पूछो उन लोगों को. इतना अच्छा खाना था, इतना अच्छा खाना था, पर और भी एक्साइटेड हो गए काम करने के लिए, जोश आ गया. पर वो यू नो थोड़ा हो जाता है ना कि कैमरा एड्स 10 pounds. तो उसकी वजह से बहुत थोड़ा कम भी खाना पड़ा, पर सब कुछ. आई एम अ वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियन में तो सब कुछ ही मिला. चलिए जाते आते थर्ड को रिलीज है. जी. तो अगर आप लोग वो फ्राइडे हुए या ट्राइडे, अगर यू लाइक से आप हमारी फिल्म आ रही है थर्ड को, आप देखिए. ऐसा करें? ऐसा करिए. हाँ हाँ, डेफिनेटली गा भी सकती है. हाँ गाती है. अच्छा, ये गाना जो मैंने जितना नोटिस किया बहुत कैची है. हाँ कैची गाना, लोगों की ऐसी जुबान पर आने वाला है. हाँ मुझे वैसा लगता है. शादियों में, गणपतियों में, बर्थडे पे, जो भी सेलिब्रेशन पे, कोई भी फंक्शन होएगा, बहुत बजना चाहिए. और ये मेरी मतलब मैंने इसलिए चुना भी है. वन टू थ्री फोर. Friday ho, Friday ho, mala daru paije. Friday ho, Friday ho, mala daru paije. Chakna chicken soda paije, paije, paije. Friday ho, third September ho, to film dekhna paije, factory dekhna paije. Please watch our films on the 3rd of September. Please. Thank you, Ji. Thank All the you. Best. Namaste. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.